हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलएन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने कुछ वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, तो आज मैं आपको 12th नंबर से बताऊँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 11th तक आपको क्लियर कर दिया है। तो आज 12th नंबर में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं एक बार हिंदी में भी रीड करूँगा और एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ के बताऊँगा आपको। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, इन द पैरेललोग्राम ABCD, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। चलिए ड्रॉ करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कि देखिए, हमारा एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, जिसे हम नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ए बी और सी और ये डी। ठीक है, ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट अस प्रूफ दैट बाइसेक्टर ऑफ BAD, यानी कि BAD एक बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्टर यानी कि दोनों को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, BAD एक बाइसेक्टर है, BAD। ठीक है, तो यहाँ पे BAD देखिए, जैसे ये B हो गया, A और D, BAD है जिसका BAD और क्या नाम है ABC, BAD और ABC मीट द पॉइंट ऑफ द साइड DC इन राइट एंगल। क्या बोल रहा है, हमें प्रमाणित जो करना है वो बता रहा है, लेटेस्ट प्रूफ कि BAD और ABC के समद्विभाजक द्वारा DC भुजा के मध्य बिंदु पर लंबवत है। DC भुजा के मिडिल पॉइंट पे, क्या लिख रहा है, DC भुजा के मध्य बिंदु पे, मध्य बिंदु यानी कि ये हो गया हमारा लंबवत है, लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये इसको दो भागों में बांटता है पहले तो। ठीक है, इसको दो बराबर भागों में पहले बांटेगा ये, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक है और ये इसको दोनों को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। हम इसको क्या करते हैं, पी ले लेते हैं, पी पॉइंट ले लेते हैं। ये जो है, ये कौन इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समद्विभाजक बोल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या क्या मिला है वो देखिए। तो हम सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे स्टार्ट करिएगा आप लोग, कि यहाँ पे ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 2AD है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें क्या है, देखो AB बराबर 2AD दिया है। AB वो दो भाग AD के बराबर है, तो यहाँ पे 2AD है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अब क्या बोल रहा है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है देखिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं RTP। RTP हमें क्या करना है, देखिए RTP है, P जो है वो मध्य बिंदु है इसका CD का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। यहाँ पे देखिए, जब हमारा P इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD हो जाएगा, तो और हमें क्या प्रूफ करना हो जाएगा, देखिए जब ये हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये हाफ हो जाएगा इन दोनों का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे और हमें क्या प्रूफ करना है, तो DP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, क्लियर है, BC या CD कुछ भी लिख सकते हैं। और क्या है, एंड ये जो है एक लंब है, बोला है ना यहाँ पर लंब, ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे देखिए, अब चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में। और क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे, तो जब ये हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा, ये जो हमारा जो लाइन है AP, वो अगर बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल BAD का, तो हमें क्या मिला देखिए, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा देखिए BAP एंगल DAP हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा,
देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर देगा, तो यहाँ पे पी ए बी यानी कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों को बीचों बीच से खींचा गया लिखा है, तो ये हमारा जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर देगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल पी ए बी या फिर बी ए पी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा अब ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, फिर हमें और एक चीज़ क्या मिल जाएगा, देखिए हमें ये जो एंगल है ये वाला जो एंगल है ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए पी डी बी ए पी अल्टरनेट एंगल लिख लेंगे, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल ए पी डी बी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ए बी इज अ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ए बी पैरेलल होगा डी सी का, क्यों, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज है, और ए पी जो है ए पी इज अ ट्रांस सबसे पहले देखिए जो सी डी है वो ए बी के बराबर होगा, यानी सी डी बराबर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज के आगे सामने की भुजाएं बराबर तो समानांतर होती है। अभी ये देखिए कि ए बी जो है वो 280 के भी बराबर है, यहाँ पर हम 280 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको, क्यों, क्योंकि ये मैंने जो बताया आपको ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हिंदी वाले लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी है समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे आप देखिए ये तो हमारा हो गया, अब ये देखिए ये डी बी जो है वो सी पी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट है, ये कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, एक्चुअली ये और ये जोड़ ये जो है ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, देखिए डी पी प्लस पी सी या फिर सी पी कुछ भी ले सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ये पूरे के बराबर हो जाएगा, ये पूरा भी किसके बराबर है हमारा, तो ए डी के बराबर है, तो ए डी जो है उसके बराबर है, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 2 AD, ठीक है। अब आप देखिए हम ई सी को डी बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है एक मिड पॉइंट है, डी सी का मिड पॉइंट है, यानी कि जो लेंथ इसका होगा डी पी का वही सेम लेंथ सी पी का भी होगा, यानी कि पी सी का, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं डी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू 2 AD, ओके। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या मिल गया, यहाँ पे हमारा 2 DP इज इक्वल टू क्या हो गया 2 AD, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देखिए डी पी बराबर डी हो जाएगा, ओके। अब क्या करते हैं, चलिए ये वाला हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ पे अब ये देखिए इस वाले एंगल में चलते हैं, ए डी पी ये जो एंगल है ना, ये हमारा ये एंगल है, इस एंगल में अब हम चलेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल ए डी पी में इन ट्रायंगल ए डी पी पहला ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी पी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमने अभी निकाला है, यहाँ पे देखिए ये लाइन, ठीक है। अब और क्या हो सकता है हमारा, देखिए ये जो एंगल है ये डी पी ए, डी पी ए एंगल किसके बराबर होगा, डी ए पी या फिर पी ए डी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए पी, ठीक है, इसको हम एक नंबर लिख लेते हैं, ये हमारा एक नंबर हो गया। अब ये जो है पी ए बी ये वाला एंगल जो था वो किस एंगल के बराबर था, वो ए पी डी इस वाले एंगल के बराबर था, इस वाले एंगल के ए पी डी के बराबर था, तो यहाँ पे हम ये और लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल
एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल इसके बराबर होगा ए पी बी इसके बराबर, ए पी बी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं, मुझे स्पेस नहीं है। अब देखिए, अब एक और दो में हम देखते हैं, ये हमारे दो नंबर लिख लेते हैं, ये एक और दो नंबर में हम देखेंगे इक्वेशन। इन वन एंड टू वी गैट क्या मिलता है हमें, एक और दो में हमें क्या मिला, देखिए एंगल पी ए डी जो है, एंगल पी ए डी ये जो एंगल है ये वाला, वो इसके बराबर हो जाएगा पी ए बी के बराबर हो जाएगा, पी ए बी के बराबर हो जाएगा, कैसे होगा वो मैं यहाँ पे प्रूफ कर दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, हम पहले एक और दो नंबर से हमें क्या मिला, कल ए पी डी ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया, ए पी डी यानी कि डी ए पी या फिर ए पी डी इसके बराबर है, यहाँ पे डी ए पी के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल पी ए डी या डी ए पी, पी ए डी लिख सकते हैं या फिर ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है। और क्या बराबर है, देखिए ये दोनों से हमें क्या मिला है, ये वाला जो पी एंगल है इस एंगल के भी बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला देखिए एंगल पी ए डी, पी ए डी बराबर एंगल पी ए बी, ये जो है पी ए डी जो है पी ए बी इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब इससे हमें क्या प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन खींचे हमने, ए पी जो लाइन खींचे हैं हमने, वो एक दूसरे का बाइसेक्टर हो जाएगा, बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक हो जाएंगे। इसलिए पी ए इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी ए डी का। ये हमने जो पी ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए डी का ये बाइसेक्टर है या इससे हमें प्रूफ हुआ, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं, पी बी जो है, पी बी इज बाइसेक्टर, पी बी जो है बाइसेक्टर है ऑफ कौन सा एंगल का, ए बी सी का, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं सेम टू सेम जैसे हमने इसको प्रूफ किया है। अब हमें क्या मिल गया, देखिए एंगल ए जो है और प्लस एंगल बी, ये जो दोनों एंगल है वो 180 के बराबर होगा, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हम इसको ये लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों का पूरा कोण मिला के अगर हमारा 180 डिग्री के बराबर है, इन दोनों कोण को अगर हम मिलाते हैं पूरे कोण को, यानी कि इस वाले पूरे एंगल को अगर हम मिलाते हैं तो 180 के बराबर है, तो इन दोनों को अगर हाफ हाफ कर देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, 90 होगा ही पक्का। उसके बाद हमारा देखिए अब दूसरा वाले एंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल में आते हैं, दूसरे ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आते हैं, मेन ट्रायंगल में एक बार अब आ जाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी में यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी में हमें क्या मिला, देखिए ए पी बी जो ये हमारा मेन एंगल, ये मेन ट्रायंगल है जो ये बेस का एरिया बच गया, ये वाला एरिया हमने निकाल लिया था। अब ये वाला को देखते हैं इसमें क्या हमें मिलता है, क्योंकि हमें ये 90 डिग्री है वो हमें साबित करना है यहाँ पर। तो अब आप देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा है, ए
पी बी बराबर 180 माइनस 180 क्यों है, क्योंकि एक ट्रायंगल है, तो 180 में से ये जो दोनों हमारा तीनों मतलब कोई भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होता है, तो ये और ये कोण को अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो हमारा ये कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कितना था, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा 90 के बराबर था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी, बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी जो है एंगल ए पी बी बराबर 180 माइनस 90, क्योंकि हमारा 90 यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, एंगल ए पी बी इजिकल टू 90 डिग्री। अब यही हमारा प्रूफ हो गया, आप लोग यहाँ पे लिख लेना, जो मैंने आपको आरटीपी में लिखाया था वही यहाँ पे आप उतार लीजिएगा। ओके क्लियर है, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उस जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस पोर्शन को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके और भी डिटेल में बता दूंगा आपको। वैसे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक पार्ट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज की ए बी और ए डी भुजा पर ए बी पी क्यू और ए डी आर एस वर्गाकार चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लेते हैं। तो ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, चलिए ये हमारा ठीक है, ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी और ए डी भुजा पर, ए बी और ए डी भुजा पर, ए बी और ए डी भुजा पर ए बी पी क्यू, ए बी अच्छा पी क्यू, तो यहाँ पे मैं और बढ़ाना पड़ेगा, इसको हम और बढ़ा लेते हैं। ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू फिर आप देखिए यहाँ पे हमारा ए बी वाले भुजा पे ये हमारा ए पी ए बी भुजा को लेके ए बी पी क्यू बनाया है, और दूसरा क्या है, और ए डी आर एस एक वर्गाकार, ए डी आर एस यहाँ पे हमने और एक वर्ग बना लेते हैं, वर्गाकार एरिया ए डी आर एस, ये आर और ये एस। ठीक है, वर्गाकार चित्र बनाए गए हैं जो समानांतर चतुर्भुज के बाहर है। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज के हमारे बाहर है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि प्रमाणित करें कि पी आर सी सम द्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि पी आर सी यानी कि इसको हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इससे टच हो जाएगा ये, यानी कि ये बीचों बीच इन दोनों को काटेगा। मेरा यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, ये आप लोग स्केल वगैरह की सहायता से करेंगे ना, तो एकदम इसको एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बोल रहे हैं, पी आर सी एक स्वम द्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो आप हम यहाँ पे उतार लीजिएगा सबसे पहले। अब हमें प्रमाणित क्या करना है, हमें प्रमाणित क्या करना है, आर टी पी इज इक्वल टू क्या है, आर टी पी है हमारा पी आर सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी आर सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है आपको, तो अब हम प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में मैं सबसे पहले देख लेता हूँ इस वाला जो ये हमारा जो है ना, क्या नाम है, वर्ग ए बी, ए बी पी क्यू को मैं देखता हूँ सबसे पहले।
ABPQ इज अ स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा AB जो है, हमें इस ट्रायंगल को लेना है क्योंकि हमें ये जो ट्रायंगल है ना इसको लेना है, तो हम जितना ज़्यादा चाहेंगे कि ये वाला जो लाइन है उस टच में आए, तो यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, देखिए ये जो हमारा AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB होगा PB के बराबर क्योंकि एक वर्ग क्षेत्र है, तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB बराबर PB, ठीक है, क्योंकि एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर भी होती हैं। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, AB जो है CD के भी बराबर है, ठीक है, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज है ये, तो AB भी यानी कि यहाँ पे हम और क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके आमने सामने की भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं, लेकिन वर्ग का जो क्षेत्र, वर्ग का जो क्षेत्र होता है, वर्ग का भुजा होता है, वो चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं तथा पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बाकी आप देखिए यहाँ पे PB, ये जो PB है वो किसके बराबर है हमारा, इस हिसाब से जब ये हमारा AB जब PB के बराबर हो सकता है, AB जब PB के बराबर होगा तो उसी तरह हमारा PB जो है वो CD के भी बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, PB इज इक्वल टू CD। चलो इसको हम एक नंबर हम लोग दे देते हैं। उसके बाद देखिए अब ये वाला हमारा वर्ग काम खत्म, ये वाले वर्ग में अब हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ADRS इज अ स्क्वायर, ADRS इज अ स्क्वायर है, ये हमारा ADRS जो है एक स्क्वायर क्षेत्र है यानी कि वर्गाकार क्षेत्र है, तो इसमें हमें क्या मिला, देखिए इसमें भी हमें सेम मिला क्या, ये RD जो है, RD किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RD इज इक्वल टू AD, और किसके बराबर होगा यहाँ पे, तो ये जो हमारा RD जब AD के बराबर होगा तो यहाँ पे हमारा AD जो है, AD ये जो एरिया है वो SR के भी बराबर होगा, एंड AD इज इक्वल टू SR, क्लियर है। तो इसी तरह से हमें क्या मिला, देखिए जब RD AD के भी बराबर है, AD SR के बराबर है, तो हमारा RD किसके बराबर हो जाएगा, SR के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे RD इज इक्वल टू SR, ये हम उसको दो नंबर मान लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है इसको हम देखते हैं, इसमें क्या देखने को मिला हमें, ये जो हमारा PC एरिया है, ये PC को हम लिख सकते हैं PB प्लस BC, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो फुल एरिया है इन दोनों को जोड़ के ही बना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, PB प्लस BC बराबर PC लिख दिया है। अब आप देखिए जब हमारा PC बराबर PB और CB हो गया, तो यहाँ पे हम PB को क्या लिख सकते हैं, PB किसके बराबर था हमारा, CD के बराबर था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर PB के बराबर, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CD प्लस, यहाँ BC किसके बराबर था, BC को हम RD के भी बराबर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए SR जो है इसके बराबर होगा, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, RD के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम RD लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमें इससे क्या मिला, इन दोनों से हमें क्या मिला, देखिए ये प्लस ये का तो हमारा ये पूरा एरिया आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं CR, ये क्यों आया, कैसे आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए PB बराबर CD क्यों आया है, PB बराबर CD क्यों लिखे हैं, ये देखिए ये हमारा PB बराबर CD लिखे हैं इस वजह से, यहाँ पे एक नंबर के वजह से, और यहाँ पे देखिए हमारा RD जो है RD वो क्यों RD हुआ, BC बराबर RD क्यों हुआ, क्योंकि BC जो है वो SR के बराबर होगा, इसलिए RD SR किसके बराबर है, RD के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, PB बराबर CD एंड BC बराबर RD, क्लियर है। उसके बाद हम इससे हम क्या हमें क्या मिल गया, देखिए अब ट्रायंगल में आ जाते हैं डायरेक्टली, जो हमारा मेन ट्रायंगल है PRC जो हमारा ट्रायंगल है, तो उसमें हम आ जाते हैं, चलिए ऊपर में थोड़ा मिटा लेते हैं, स्पेस चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम ला जाते हैं किसमें, ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर सी, पी आर सी में क्या मिला हमें देखिए, पी आर सी में हमें पी सी बराबर सी आर मिल गया। पी सी जो है वो सी आर के यहाँ पे मिल गया, पी सी बराबर सी आर। तो इससे हमें क्या मिल गया, दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई। तो अब हमारा ये कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यानी कि ये जो एक भुजा है वो इसी ट्रायंगल का है, ये भी भुजा उसी ट्रायंगल का। तो यानी कि पी सी अगर सी आर के बराबर हो गया तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आपने यहाँ पे ये लिख लेना है, वही हमारा प्रूफ हो गया जो हमने आरटीपी में लिखा था, वो आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का क्वेश्चन बताऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी आप में इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके आपको किस पोर्शन में डाउट रह गया है, वो डाउट को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं पे भी डाउट होगा। अगर लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।